कांग्रेस लीडरशिप से नाराज पार्टी के सीनियर लीडर्स ने जम्मू में शांति सम्मेलन का आयोजन किया है। कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस कमजोर हो रही है, हम इसे मजबूत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने पार्टी की तरफ से गुलाम नबी आजाद के अनुभव का फायदा न लेने की बात भी कही, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला बयान खुद आजाद का है। उन्होंने कहा कि मैं राज्यसभा से रिटायर हुआ हूँ, राजनीति से नहीं। उनका यह बयान कांग्रेस हाईकमान को सीधी चुनौती माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी हमें कमजोर होती दिख रही है और इसलिए हम यहां इकट्ठा हुए हैं और पहले भी इकट्ठा हुए थे। हम इकट्ठा होकर इसको हमें मजबूत करना, ये तो सच्चाई की बात। और इसके जो खुशकिस्मती है वो ये है कि हम गांधी जी की छत्र छाया में ये बात आपके सामने रख रहे हैं। गांधी जी सच्चाई के रास्ते पे चलते थे, ये सरकार झूठ के रास्ते पे चल रही है। गांधी जी अहिंसा को गले लगाते थे, ये हिंसा को गले लगा रही है। तो बात तो ये गांधी जी की करते हैं, लेकिन ना सच्चाई का रास्ता अपनाते हैं और ना हिंसा का रास्ता अपनाते हैं। शांति सम्मेलन में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वह राज्यसभा से रिटायर हुए हैं, राजनीति से रिटायर नहीं। मैं पार्लियामेंट के राज्यसभा से रिटायर हुआ हूं, राजनीति से रिटायर नहीं हुआ हूं। जैसे मेरे साथी ने पार्लियामेंट से मैं पहली दफा नहीं रिटायर हुआ। जब लोकसभा से आना था राज्यसभा तो भी 3-4 महीने का गैप था। जब यहां से पहले बना, जब सीएम बना था तब भी बीच में गैप था, बीच में एक और दफा गैप था। तो हम इधर से डूबते हैं, इधर निकलते हैं, इधर से निकलते हैं, इधर डूबते हैं। कोई अभी हमारी जारी नहीं रही। कोई भी दुनिया का आदमी नहीं है या लीडर नहीं है जो कश्मीर को कश्मीर के नाम से नहीं जानता या जम्मू कश्मीर को कश्मीर की स्टेट से नहीं जानता। आज हमारी वो पहचान चलेगी, आज हमें एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया। तो इसलिए हमारी लड़ाई वो भी जारी रहेगी पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर कि हमें स्टेटहुड अपनी वापस चाहिए। पिछले साल अगस्त में सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में G23 नेताओं ने पार्टी में तुरंत सुधार करने की मांग की थी। इनमें जमीनी स्तर से लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी तक संगठन के चुनाव कराने की मांग की गई थी।